बॉस बॉस क्या है, देख नहीं रहे हो? मैं बात कर रहा हूँ बॉस, उधर देखिए। हाँ मैम, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उन्हें क्या पता नहीं है ये जगह कितना खतरनाक है? यहाँ क्या होता है? हाय वाओ, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। ये दोनों लड़की ही सुंदर है। आज तो समय पे सुहागा है। सुमी के साथ साथ इन्हें भी मैं बेबी, ये मेरी फ्रेंड है ए तेयंग और ए जिबिन, और ये मेरी बॉयफ्रेंड है जैक्सन। हेलो, ये ऐसे क्यों देख रहे हैं हमारे तरफ? सुमी हमें घर जाना पड़ेगा अभी। नहीं तू इधर भाग जा प्लीज। ते ओके करता है। ये क्या बदतमीजी है? बेबी ऐसा क्यों कह रही हो? इसके आदत डाल लो। मतलब तुम क्या कहना चाहते हो? मैं बताता हूँ। जेके आकर जैक्सन को एक पंच मारता है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ते और जिमिन डर जाती है, तभी वापस सुबह भी आ जाता है। जिमिन तेयो सर, जो सवाल इसने पूछा वही सवाल अभी पूछ रहे हो। शट अप जिमिन, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। मैंने मजाक कब किया? जिमिन तुम जानते हो इस क्लब में क्या होता है? लड़कियों की बिजनेस। क्या क्या कह रही है सरक? हाँ नहीं नहीं, ये तो मेरा बॉयफ्रेंड का क्लब है। ये बिजनेस तुम्हारी बॉयफ्रेंड ही करता है। जैक्सन ये क्या कह रही है? हाँ यही सच है, मैं तुम्हें आज बेच दिया है। सुमी जैक्सन को एक थप्पड़ मारती है। तुमने मुझे ऐसे धोखा दिया? ओए तुझे धोखा नहीं दिया, तुझे बेच दिया। सिर्फ उसे नहीं, तुम दोनों को भी बेचने वाला था। क्या? जेके और सुगा को बहुत गुस्सा आता है। यानो यस बॉस, ये मैं और मेरी बहन का तेरे बाप का पपड़ी हूँ जो तुझे मन के और तू बिजनेस है ना? तेरी तो मैं आज जिमी जैक्सन को मारने लगती है। जन्म मेरी माँ ने दिया, मामू ने मुझे पाला और तू मुझे बेचने चला? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे और मेरी बहन को बेचने की? जेके के आदमी जैक्सन के आदमी को पकड़ के रखा है। जिमिन के साथ साथ सुमी भी मरने लगती है। तूने मुझे धोखा दिया। बॉस हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, इस लड़की ने तो उसकी थोबड़ा ही बिगाड़ दी। बस कर जिमिन, मैंने तुझे बोला था ना मुझे यहाँ नहीं आना है, लेकिन तू मेरी बात नहीं सुनी। अगर पापा को पता चला तो पापा क्या सोचेंगे? सॉरी मुझे माफ कर दे, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी नहीं आती। सॉरी बेयर। ते रोते हुए बाहर चली जाती है। ते के पीछे जेके भी जाता है। जिमिन अब चलो। सॉरी जिमिन, मुझे कुछ भी पता नहीं था। इट्स ओके सुमी, प्यार करना गलत नहीं है सुमी, लेकिन जिस इंसान से प्यार करते हो वो इंसान कैसा है? वो तुमसे सच्चा प्यार करते है या नहीं? वो इंसान तुम्हारे लिए सही है या गलत, ये पहले जानना चाहिए, वरना ऐसे धोखा मिलता है। आगे से ध्यान रखना। हमें फिर से बचाने के लिए, अगर अपने ही होते तो ना जाने आज क्या हो जाता। जेके ते को हक कर लेता है। जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। ते जेके ते को छोड़ देता है। ते सॉरी सर, अब जरा मुझे घर छोड़ देंगे? ते हम एक साथ जाएंगे। ठीक है जिमिन, ते को जाने दो, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन सर वो एक अजनबी है, मैं कैसे मेरी बहन को एक अजनबी के साथ जाने दे सकती हूँ? तुझसे ज्यादा इस अजनबी पे मुझे भरोसा है। ते प्लीज चलिए। जिमिन तुम चलो।
और जेके चले जाते हैं। जिमिन तुम बेफिक्र रहो, वो कोई अजनबी नहीं है, तुम चलो। मेरा मुंह क्या देख रहे हो, वो दोनों भी चले जाते हैं। तुम्हारा घर आ गया है। हाँ थैंक यू। जेके चला जाता है। हाँ इसे मेरा घर कैसे पता? जिमिन घर आ गया है। थैंक यू सर, गुड नाइट। एक कहकर सुबह भी चला जाता है। तुझसे मैं बहुत नाराज हूँ, तू उसे रुलाया क्यों? मैंने उसे कहाँ रुलाया, मुझे थोड़ी ना पता था वो जिमिन को रोते देख खुद रो देगी। वो बहुत मासूम है भैया। हाँ ये बात तो तूने सही कहा, वो बहुत प्यारी है, जैसा तूने कहा था बिल्कुल वैसा। तूने जब पहली बार इसके बारे में मुझे बोला तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये इतनी प्यारी और इनोसेंट हो सकती है, क्योंकि लड़कियाँ प्यारी और इनोसेंट होने के नाटक करती है, इसीलिए तो कॉलेज का प्रोफेसर बन गया, ये देखने के लिए कि वो सच में ऐसा है कि नहीं। हाँ क्योंकि मैं नहीं चाहता था मेरे भाई के साथ भी कोई धोखा हो, तो तुझे उसे देखकर क्या लगा? मैं गलत था, वो बहुत प्यारी है, तूने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा, वो तेरे लिए परफेक्ट है। थैंक यू भैया, आप उसे अपने दिल की बात बता दे। हाँ भैया तूने हाँ कर दी, और देर नहीं। हाँ अगर ज्यादा देर करेगा तो उसे और कोई ले जाएगा। नहीं भैया ऐसा कभी नहीं होगा, वो सिर्फ मेरा है, अगर कोई हमारे बीच आने की कोशिश करेगा तो मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए हमारे बीच से हटा दूंगा, वो मेरा प्यार है, मेरा सब कुछ है। सच में उस लड़की में कुछ तो है, बर्नार्ड द माफिया किंग जियोन जंगकुक उर्फ जेके, जो सबके ऊपर राज करता है, जिसके नाम से ही सब डरते हैं। उस इंसान के दिल में एक मामूली सी लड़की राज करता है, जिसके लिए ये माफिया किंग पागल है। वो मामूली सी नहीं है भैया, वो मेरे लिए बहुत कीमती है, वो मेरी जीने की वजह है, मेरी खुशी है। हाँ मुझे पता है भैया, तूने कहा था तू उसका ध्यान रखेगा, इसलिए मैं कोई गार्ड नहीं भेजा था। सॉरी भाई मुझे माफ कर दे, मुझे पता नहीं था आज वो दोनों उस क्लब में जाएगी। मैं तो जानता था बर्थडे पार्टी उसके दोस्त के घर में है, और मैं आज काम में बहुत बिजी था, अगर मैं आज वहाँ नहीं होता तो क्या होता? कुछ नहीं होता। माफिया किंग की प्रॉपर्टी में हाथ देना इतनी आसान नहीं है, वो जहाँ भी जाता तू उसे ढूंढ के वहाँ से ले आता। भैया तुम बहुत इनोसेंट है, उसमें इतना समझ नहीं है कौन अच्छा है और कौन बुरा, तो उसे इतना कमजोर मत समझ। तेहंग बहुत स्ट्रांग है और बहुत समझदार भी, तुझे ऐसा लगता है? छोड़ सब बातें, तेहंग के बारे में मम्मा को बता दे, मम्मा बहुत खुश हो जाएगी। पता है तुझे मम्मा आजकल बहुत हैप्पी रहती है पहले की तरह। सच कह रहे तू भैया? हाँ भाई पापा भी मुझे बोल रहे थे। पापा के बात सुनते ही तेरा मुँह क्यों उतर गया? कुकी मैं जा रहा हूँ। भैया मैं तुझे फोर्स नहीं कर सकता पापा को माफ करने के लिए, मैं तुझे सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि सबका ऊपर देखकर जज मत कर, पापा को माफ कर दे, एक बार सच्चे जानने की कोशिश कर। मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं है, उस वक्त तू यहाँ पर नहीं था इसलिए तुझे कुछ पता नहीं है, उन्होंने जो किया है वो माफी का लायक नहीं है। मौका उसे दिया जाता है जो गलती करता है, उसे नहीं जो जानबूझकर करता है। एक एक सुबह चला जाता है। भैया तू पापा को समझ नहीं पाया। पापा मैं कॉलेज जा रही हूँ। प्रिंसेस? हाँ पापा। क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं था पापा, मेरे तरफ देख, तू झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है पापा, वो जिमिन से थोड़ी लड़ाई हो गई है इसीलिए थोड़ी अपसेट हूँ। ओह ठीक है तो जाओ, तेज चली जाती है। तुम्हें लगता है अभी वो जिमिन के साथ लड़ाई करने की वजह से उदास है? नहीं जिसो बात कुछ और है। तो तुमने उसे पूछा क्यों नहीं? क्योंकि वो बताना नहीं चाहती है। ओके मैं ऑफिस जा रहा हूँ। एक एक जीरो चला जाता है। मुझे पहले इन दोनों से बात करनी पड़ेगी। जीनू तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तुम्हें कुछ कहना है क्या? हाँ कुछ कहना था तुमसे। जीन की मूड अच्छी है, यही मौका है उसे बताने का। कुछ कहोगे भी या नहीं? हाँ हाँ कहूँगा। तो बोलो ऐसे बेवकूफ की तरह खड़े क्यों हो? तभी वापस उगाता है। मामा? हाँ बेटा। मैं कॉलेज जा रहा हूँ। ठीक है जल्दी आना, आज कुकी भी आने वाला है। हाँ मुझे पता है, तुम दोनों से मुझे इम्पोर्टेंट बात करनी है। ठीक है मम्मा मैं आ जाऊँगा जल्दी।
लड़की जंगकुक का कितनी केयर करती है, जंगकुक के बारे में कितना सोचती है। वो तो जंगकुक का गुस्सा भी सहती है। यही लड़की जंगकुक के लिए अच्छी होगी, जो जंगकुक को अच्छी तरह से जानती है। हमारे जंगकुक को ऐसी ही लड़की की जरूरत है जो उसे समझ सकती है। जंगकुक टे की पिक्चर देखता है। जान, मेरे होते हैं तुम्हें कोई छू नहीं सकता। तुम जानते हो 6 साल तुम्हारे बिना मैंने कैसे गुजरा। पहली बार जिस दिन मैंने तुम्हें एयरपोर्ट पर देखा तब तुम बहुत छोटी थी। तुम्हारी वो आंखें मैं आज भी भूल नहीं पाया। उस दिन मैं यूके जा रही थी पढ़ाई करने के लिए। तुम्हें देखने के बाद मैं आज तक किसी भी लड़की की तरफ नहीं देखा। एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि मैं तुम्हें याद नहीं किया। मुझे लावट फर्स्ट साइट हुआ था। मैं तुम्हारी आंखों के प्यार में पड़ गई थी। उस दिन मैं ठान लिया देश में लौटते ही मैं पहले तुम्हें ढूंढूंगा। लेकिन देश में लौटते ही जंगकुक की आंखों में आंसू आ गया। पता है तुम्हें, मैंने मेरी तकलीफ के दिन में भी तुम्हें नहीं भूला। एक तरफ मेरा गम था, मैंने मेरी प्यारी कीमती छोटी सी जान को खोया था, और एक तरफ मेरा प्यार जिसे मुझे पाना था। मैं तो गम और प्यार में से प्यार को चुना। 4 साल से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम मेरे आपके सामने थी, फिर भी मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया था। पता है तुम्हें, 6 साल बाद जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा मैं पूरी तरह से शॉक हो गया था। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तुम सोच रहे हो मेरी और तुम्हारी पहली मुलाकात कॉलेज में हुआ था। नहीं थे, तुम उस दिन के बारे में भूल गए हो जिस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी। उस दिन एक कार आके मुझे मारने वाला था। तुमने मुझे उस कार के सामने से हटाया और मेरी जान बचाई थी। तुम इतनी जल्दी में थे कि तुमने मेरी तरफ अच्छी तरह से देखा भी नहीं और चली गई। उस दिन से मैं तुम्हारे पीछे छाया की तरह हूँ। लव, यू आर माय लव, माय एवरीथिंग। मेरे बनने के लिए रेडी हो जाओ। मैं खुद से वादा किया था, जब तक मैं तुम्हें अपना नहीं बना लूंगा तब तक मैं किसी लड़की की तरफ नहीं देखूंगा। तेज मिन को इग्नोर करती है। रुक जा प्लीज, ते मुझसे बात कर। मैं तो उससे सॉरी बोल रही हूँ ना। ते कुछ नहीं कहती है, चली जाती है। सॉरी ते। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुबह अपना क्लास करने लगता है। जिमिन, व्हाट हैपेंड? हाँ कुछ नहीं सर। तुम्हारी ध्यान किधर है, पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ हाँ सर। ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। आज जिमिन को क्या हुआ है, वो इतनी उदास क्यों है? मैंने तो उसे कभी उदास नहीं देखा। आज इसे क्या हुआ? सुबह क्लास खत्म करके चला जाता है। ते प्लीज मेरी बात सुन। तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? प्लीज मेरे साथ बात कर। तू जानती है ना, तू मुझसे बात नहीं करती है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। ते कुछ नहीं कहती है और वहाँ से चली जाती है। सॉरी ते। जिमिन चुपचाप बैठी हुई थी तभी वापस सुबह आता है। जिमिन क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रहे हो? जिमिन तुम मुझे बता सकती हो? सर ते मुझसे बात नहीं कर रही है, वो मुझसे नाराज है। जिमिन इतनी सी बात के लिए तुम रो रही हो?